और उज्जैन दक्षिण से भाजपा के विधायक मोहन यादव का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है। एक कार्यक्रम में उन्होंने ये कहा कि करणी सेना और स्वर्ण आंदोलन विदेशी और सिमी फंड की देन है। उन्होंने ये कहा है कि भारत के लोग आपस में लड़े इसके लिए फंड दिया जा रहा है। विधायक मोहन यादव के इस वायरल बयान की बाबत जब उनसे मीडिया ने सवाल किया तो उनके सुर ही बदल गए। वे कहने लगे कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, हम सभी समाज का सम्मान करते हैं और बहुत पहले हमने ये कहा कि 1857 में देश गुलाम हुआ तो अंग्रेजों के षड्यंत्र की वजह से हुआ था और अब विदेशी और सीमी के लोग फंडिंग कर रहे हैं ताकि देश के लोग आपस में लड़ते रहें। ये नितान झूठ बात है। मैंने शुरू दिन से कहा कि सभी समाज हमारे हैं, सभी समाजों को साथ लेके चलते हैं और कभी जीवन में मैं पसंद नहीं करता हूँ आपस में वर्ग संघर्ष हो। पाकिस्तान ने जिस ढंग की उसकी हरकतें की है, हम उसको समय आने पर माननीय मोदी जी की सरकार जवाब भी देगी और हमने देखा कि कई साल से वो इसी प्रकार की हरकत करते, सामने आमने युद्ध कर नहीं सकते, लड़ नहीं सकते, तो इस टाइप का नाटक लाते हैं।